एकविंश शताब्दीरे जलवायु बिगिड़ीबा कारणरु मानव जीवन प्रति अनेक संकट मुंड टेकिछि, जहाँ फलरे लोकमाने अन्य जागा बा अन्य देशरे शरण नेबाकु बाध्य हेउचन्ति। विस्थापन एवं मानवीय संकटर मुख्य कारण हेउछि जलवायु बा पाणिपाग जनित संकट एवं प्राकृतिक विपर्जय, सामाजिक एवं राजनैतिक द्वंद, आर्थिक किंबा अर्थनैतिक संकट। एबे समय आसिछि जेतेबेले उद्योगरे परिवर्तन आवश्यक। कैटलाइज टेक माध्यमरे आमर उद्देश्य हैला एपरी शिल्प उद्योग को बाछिबा जहाँ भिन्न भिन्न विचारधारा को प्रोत्साहन देउथिब, नूतन समाधान आड़कु बाट कढ़ाउथिब, जहाँ प्रकृतरे गरीब लोकमानंक जीवन और जीविका को सुधारिबारे सहायक हेउथिब। सेल्को फाउंडेशन सहायतारे किछि कंपनी वैषयिक शिल्पोद्योगरे नूतन विचार आनिछन्ति। थिंक्र इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत कृषिधनु और धीबर मित्र स्थानीय चाषी तथा मत्स्यजीवी मानंकु विकास पथरे नै जाइछि। सेहिपरि सूर्य निर्भर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विशेष करी क्षुद्र चाषी और महिला श्रमिक एहा द्वारा लाभवान होइछन्ति। Secondly, about the grants and the funds, yes, Helco Foundation has supported us with funds also. So, with their help, we are able to develop the prototype and the APU versions of both the solutions, which are being tested as we speak. With help of Helco Foundation, with their funds, we were able to test 5 machines in 8 different clusters of North Karnataka, and we got a very good feedback. With help of Helco Foundation, we've got a funding support to develop 20 different machines, to develop the prototypes of brush cutter, a double wheel divider, double row divider, which can do 2 rows at a time operations of all these dividing, intercultivation and ridging. So both funding support as well as mentoring support we have been getting from them to develop a good business model and to do for a better marketing strategy in the rural area. Gramina byabasayi o silpodyogi bibhinna samasyara sammukhin huanti ebe kintu sthiti badalichi. Startup Odisha ebong Helco Foundation ra sahabhagita re the grassroots catalyze tech challenge tara abhijan arambha karichi. ग्रामीण व्यवसायी और शिल्पोद्योगी को सशक्त करिबा, तांका समस्यार समाधान करिबा, उत्पादन बढ़ाइबा, परिवेश संतुलन रक्षा करि ओडिसा रे शिल्प उद्योग को विकसित करिबा, एमिति किछि लक्ष्य सह आगे चलिछि द ग्रासरूट्स कैटलाइज टेक चैलेंज। 2027 सुधा निजर लक्ष्य हासिल दिगरे एहा प्रतिश्रुतिबद्ध। अति कम रे 125 जना शिल्पोद्योगी एथिरु जेपरि लाभवान हेउथिबे से नै द ग्रासरूट्स कैटलाइज टेक चैलेंज अनेक योजना और रूपरेख प्रस्तुत करिछि। शिल्पोद्योगी परिवेश संतुलन रक्षा करिबे, सौर शक्ति परि अक्षय शक्तिर संचय दिगरे चेष्टा चलाइबे। किए आवेदन करिपारिबे? ओडिसा रे रहुथिबा शिल्पोद्योगी, वैषयिक ज्ञान कौशल व्यवहार करुथिबा व्यक्ति जहाँ उत्पाद सामाजिक अर्थनैतिक और परिवेश संतुलन को बजाय रखुथिब, सकारात्मक प्रभाव सृष्टि करुथिब, कौनसी रजिस्ट्रेशन बा पंजीकरण करिनथिले भी जने वैषयिक शिल्पोद्योगी एहार अंश होइपारिबे। सोल प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, वन पर्सन कंपनी, पार्टनरशिप फार्म, जेकोनसी पंजीकृत शिल्पोद्योग एथिरे जोड़ी होइपारिबे। श्रेष्ठ 10 जन इनोवेटर बा शिल्पोद्योगी को 6 लाख टंकार अर्थराशि प्रदान करा जिवो। चयन करा जायथिबा 15 जन इनोवेटर बा शिल्पोद्योगी को मेंटरशिप और सीड ग्रांट माध्यमरे 1 कोटी टंकार इनक्यूबेशन सपोर्ट जोगाई दिया जिवो।